हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और सॉरी, आज सुबह से बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे बीडी की। बीडी मतलब होता है भारत दर्शन, और इसमें हर स्टेट को अपना अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। पर टीम को 20-25 मिनट्स दिए जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत दिनों से चल रही है। एक्चुअली हमारे एंड सेम ख़त्म हुए 27 को, तो एंड सेम के बीच में भी प्रैक्टिस चल रही थी, उससे पहले से प्रैक्टिस चल रही थी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ऐसे मिल के कर रहे हैं, सीनियर्स हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट करते हैं। और अभी आज आखिरी दिन है, आज 29 है, कल बीडी है। तो आज हमारे क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट्यूम्स के साथ रिहर्सल होगी, और ऊपर से कल तो स्टेज रिहर्सल है। तो भाई सुबह से आज हम बाहर हैं, सुबह से बहुत ही खतरनाक की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। बहुत पिरामिड की प्रैक्टिस चल रही है, लोग पिरामिड बना रहे हैं कल के लिए। वहाँ सब कॉस्ट्यूम्स पहन रही है, अभी उनका थोड़ा सा डांस का प्रैक्टिस होगी वापस से। और इनका कुछ तो है, पता नहीं उस फंक्शन में अच्छा दिखेगा, इसके बाहर भी कुछ होगा सब कुछ। आज ही बैठ रहे हैं भाई पिरामिड पिरामिड, मैं भी एक पिरामिड में हूँ। तू भाई है, क्या काम है, क्या है? तू क्या क्या करेगा? मेरा एक डांस है और मैं लास्ट में जीत जाऊँगा। क्या जाएगा? मैं लास्ट में जीत जाऊँगा। लास्ट में जीत जाएगा भाई, देख रहे हो हम कैसा दिखा रहे हैं, बाबर जिताएंगे हम। भाई ये बंदा इस क्या बोलते हैं हमारे भारत दर्शन में सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। भाई तू क्या क्या कर रहा? मैं भाई दो मेरे फाइट सीन है। अच्छा, एक डांस है खली बली वाला। हाँ, और लास्ट में दो कुछ पिरामिड वगैरह है। दो पिरामिड भाई, तू सबसे नीचे, तेरे ऊपर कोई इतने भी खड़े हो सकते हैं ना भाई। ये बंदा थकता वकता नहीं, इसके ऊपर मेरे को खड़ा। खाना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे हमारे लिए, मतलब हम लोग मैस नहीं गए थे तो हमें यहीं खाने के लिए बोला है, और इन हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए खाना मंगाया है वगैरह। तो दिखाता हूँ आपको सारा, ये देखो ये लोग दिख रहे हैं, लोग खाना ही खा रहे हैं, ये सब खाना खा रहे हैं। पहले फर्स्ट ईयर और गर्ल्स को खिलाएंगे, फिर सेकेंड ईयर खाएगी, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर। भाई यहाँ का ऐसे ही है, हमारे सीनियर्स थोड़ा अच्छा करते हैं हमारे लिए, और खुद लेट खा रहे हैं। ठीक है, खाना भी उन्होंने मंगाया है भाई, सही है। हमारी बाबर की सेना वाले लोग भाई, इनका कॉस्ट्यूम देखो, फुल ब्लैक भाई। और तुम्हारे विरुद्ध जो लड़ रहे हैं, मतलब अपने राणा सांगा वाले, उनके क्या वो है जर्सी बोल रहा हूँ, देख रहे हो वाइट भाई। मैं यार, मैं नरेटर हूँ यार, मेरे को तो मेरे मन की पहन ले दो यार। मैं मेरे कुर्ता उठा के लाऊंगा, बढ़िया सा ऑरेंज कलर का। और ठीक है, और ये खाना, तू खाना खाएगा अभी? हाँ भाई सही है भाई, बेचारे क्या दोपहर से दही भी बचा लेंगे हैं? आठ पराठे और दही। ठीक है भाई। अरे एक्चुअली हम लोगों ने ना मेस में खाना खा लिया, और यहाँ खाना आया है तो ये कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम हमारे लिए लास्ट में बचा के रखेंगे। सोचते तो बहुत हो गया भाई, सही सोचा है हमने। ठीक है, तो अभी सुबह सुबह वापस प्रैक्टिस पाए हैं। एक्चुअली कल रात को हमारा तो नहीं, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था भाई। पूरे दिन से यहीं थे हम, एक बार भी रूम नहीं गए थे कल पूरे दिन, तो चार्ज तो कहीं करूँगा। तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे, सब कर रहे थे, तो फ़ोन का चार्ज तो ख़त्म हो गया था। तो रात को खाना खाने के बाद भी हमने बहुत रिहर्सल की थी, एक बार पूरी रिहर्सल करी थी सारी, पूरी हम जो प्रोग्राम में इवेंट कर रहे हैं सारी रिहर्सल करी। और लास्ट में फिर एक एक डांस को एक बार बार करवाया कि क्या गलतियाँ हो रही है सबसे, उनके रिव्यूज़ पूछे गए थे, तो अभी उसी चीज़ को सही करने का चल रहा है। ये अभी स्टेज रिहर्सल चल रही भाई, हट जा रही स्टेज दिखा, तगड़ा हो गई अपनी एक बार, तो लास्टिंग करना है अभी। ये भाई अपने सबसे आगे रहेंगे। और कैसे लग रहा, स्टेज पर डर लगा क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा। अभी हमारी फाइनल रिहर्सल हो गई थी, तो अब जा रहे हैं, बस हम सब ने अपने अपने कॉस्ट्यूम्स पहन लिए, सब अभी अभी नहा के आ रहे हैं अपने यहाँ से। और हमें अभी पहले इकट्ठा होना है, हर जगह लड़कियाँ सब आएगी, सब हम बॉयज़ हमारे भैया लोग सब लोग,
और हमारा वैसे एक्ट 5th नंबर पे है, तो हम 5th नंबर पे ही, मतलब 4th नंबर के जब एंड वेंड होने वाला होगा तभी हम जाएंगे SJA में। उससे पहले हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे या कुछ जो गलतियाँ हो रही है बस उस पर थोड़े से बात बात कर लेंगे। अभी तो जा रहा हूँ, बस मैं अभी नहा के आया हूँ, अपनी ड्रेस पहन ली है और इनोवेशन का ये है, और अभी तो जा रहे हैं, भैया लोगों ने बुलाया था सबको, तो बस चलिए। यहाँ लोधी तैयार हो रहा है काजल लगाते हुए। लोधी भैया दिखाओ कैसा लग रहे भाई, क्या ही आ रहा है यार, क्या ही आ रहे। और ये हमारे बाबर, बहुत अच्छे लग रहे हो भैया, बहुत अच्छे लग रहे हो सबको। क्या बाबर बाबर को तैयार करने का ठेका ले रखा है तूने? अच्छा बाबर दिखाइयो, काजल वाजल कैसे लगाइए? अरे भाई साहब, भाई लुक देख लो, इतने दिन प्रैक्टिस करा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पे एक नई फैमिली मिल चुकी है, बहुत बड़ी सी भाई, 60 लोगों की। देखो सब कैसे खुश है, प्रिपेयर्ड है वेल, और ये फोड़ने वाले हैं आज स्टेज पे, नेक्स्ट लेवल फोड़ने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ वही। अरे ये हमारे भैया है, पहले दिन से हमें, 4th ईयर के हैं, पहले दिन से हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं, डेली बुलाना, डेली सबको समझाना, ये कर रहे हैं भाई। लोधी भाई का पजामा खुल गया भाई, लोधी भाई ये क्या हुआ अचानक? ओए राजा तू अभी से ये कर रहा लोधी के साथ, लेकिन घबराने कोई बात नहीं है क्योंकि इस तरीके एक और तो अभी बस हो गए सब लोग तैयार यहाँ पे, और लड़कियाँ रानी वानी राजा हमारे लोधी बाबर सब लोग तैयार हो गए। अभी हमें जाना है SJA, वहाँ पे पहले से किसकी परफॉर्मेंस चल रही है अभी? कर्नाटका की परफॉर्मेंस चल रही है, इसके बाद किसके? महाराष्ट्र के बाद अपने है ना, तो इसके बाद वाले परफॉर्मेंस के बाद हमारा है, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे। और भाई SJA में इतना खतरनाक भीड़ लगी हुई है, मेरे दोस्तों को कॉल आ रहा है अभी, बोले कि जगह नहीं मिल रही बैठने के लिए, अंदर नहीं जाने दे रहे किसी को, सोच रहे हो? लोधी भाई आपके सामने इतने लोग रहेंगे कैसा लगेगा आपको? नर्वसनेस तो है नहीं इतनी, थोड़ा अच्छा करने का प्रेशर है क्योंकि इतनी मेहनत की है। मैंने तो बहुत की है, एंड सेम में आते थे हम लोग, सोचो आपको तो कुछ, एंड सेम में आते थे हम 2nd ईयर वाले, ठीक है कुछ बोलने का नहीं। गाइस फाइनली हम निकल रहे हैं SJA के लिए, ये रहे सब, ये देखो मटके वटके ले जाते हुए लड़कियाँ, भाई खतरनाक है ये भाई, घोड़ी क्या जीत के आने ना। हाँ जीत के आएंगे, आएंगे भाई जीत के, जरूर आएंगे। चलो गाइस तो फाइनली निकल गए हम लोग, ठीक है आवाज, हाँ नहीं नहीं ऐसी सही है, ठीक है। तो बस कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे अपन? 20 दिनों की प्रैक्टिस, और अभी कितना टाइम बाकी है? हमें 1 घंटा भी नहीं होगा मुश्किल से हमारे परफॉर्मेंस को, बस वो क्या आ गया है, आ चुका है फाइनली, आ गया है वो दिन 1 साल बाद। आज कुछ ज्यादा ही दिन की प्रैक्टिस हो गई इस बार भाई साहब, और एक्साइटमेंट भाई, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, बटरफ्लाईज आ रही है पेट में, हाँ गुदगुदी हो रही है, इतना मन कर रहा है ना, ऐसा डर नहीं लग रहा, मन कर रहा है भाई जाके ऐसे परफॉर्म करना है, आग लगा देंगे वही। और भाई यहाँ तो क्या ही भीड़ है भाई, पूरे राजस्थान जा रही है आगे तक। Thank you.
परफॉर्मेंस करने के बाद भी। अभी हम लोगों का सारा प्रोग्राम खत्म सब हो गया है। हम लोगों को अभी एसजे में वापस बुलाया गया है। सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को वापस बुलाया गया है और ऑडियंस बाद में आएगी। उनको आधे घंटे का गैप दिया गया है। बस रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। पता नहीं क्या होगा रिजल्ट, कुछ भी हो हमने हमारा 100% दिया है। बस पूरा भी ना होए गाइस, अभी ख़त्म हो गया है हमारा प्रोग्राम। कोई पोजीशन नहीं मिली, कोई बात नहीं। तो अब तो कही है हमने हमारा 100% दिया, बाकी पोजीशन वोजीशन सब उन पे थी, कुछ नहीं मिला। ये नहीं चलेगा भाई, क्या नहीं चलेगा, सब चलेगा भाई, कुछ नहीं होता। 100% दिया, राजस्थान ने ऐसा परफॉर्म कभी नहीं किया है। ठीक है, जजेस का जो मानना था मानना था, चलो ठीक है। थर्ड आई है केरला, सेकेंड आई है कर्नाटका, फर्स्ट आई है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और हमारे तो 100% दिया, इतनी स्ट्रेंथ कभी नहीं हुई है हमारे राजस्थान की तरफ से। बहुत ही बढ़िया गया है, ठीक है, कोई दुखी नहीं है, थोड़ा बहुत होंगे वो तो ऑफकोर्स सबको होना ही था। और बस ठीक है, सबको इस बात की खुशी है, हमें एसजे से बाहर निकले हैं। सब ने यही बोला है कि बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, पोजिशन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, इतना अप्रिसिएशन तो हमें बाहर ही मिल गया। हमारी चीज़ तो वहीं जीत गए, लोगों को ही पसंद आ गया तो अब क्या है। तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम के लिए, उन्होंने भी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आंध्र प्रदेश कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट आई हो। और तो चलो ठीक है, फिर यही थी हमारी बीड़ी की प्रैक्टिस पूरी सारी।